Hello, Hello kids. Your Abhilasha ma'am and Priyanka ma'am is back with one more video for this week. I hope last video आपने enjoy करा होगा, उसको आपने घर में practice भी करी होगी और मम्मी पापा को परेशान नहीं करा होगा. उसकी practice आप आगे भी continue कर सकते हैं, लेकिन एक और नया video आपके लिए. तो इस week हम सीखेंगे कैसे आप घर में zigzag race कर सकते हैं. ठीक है, आपने रेसिंग बहुत सारी सुनी होगी, करी भी होगी, कहीं ना कहीं पार्क में जाके, गार्डन में जाके. आज जो रेसिंग है उसे हम नेम दे रहे हैं जिगजैग रेस. तो अभिलाषा मैम और प्रियंका मैम आपको बताएंगी कि कैसे इस रेस को आपको घर में करना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको यूज होंगी. ठीक है अभिलाषा मैम, आपको कुछ बोलना है? यस मैम, बिल्कुल. जो जिगजैग रेस है इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने देखा है स्नैक कभी भी सीधे नहीं जाता है, हमेशा आपने उसको देखा है कि वो कुछ टेढ़ा चलता है. तो इसी प्रकार की हमारी रेस है. अब इसमें कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, इसको कैसे करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे. ओके, तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जिगजैग रेस किस प्रकार से करना है. तो आप ये देखिए कि यहाँ पे चौक से एक सर्कल बनाया है जिसमें लिखा स्टार्ट. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अभी हम आपको आगे रेस कैसे करना है वो भी दिखाएंगे. और जिगजैग रेस आपको करने के लिए कुछ इस प्रकार से चौक से ड्रॉ करना है लाइंस. आप चाहें तो बीच में, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है और उस पर लिखा है 2 times जंप, फिर आगे कंटिन्यू किया है और फिर एक स्क्वायर बॉक्स में लिखा हुआ है 3 times क्लैप. और फिर आप देख रहे हैं कुछ अलग लाइंस हैं, इसमें हॉप करना है और हॉप करते हुए हमें एंड करना है. तो जिस प्रकार से आपने देखा ये बना हुआ है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे जंप और क्लैप लिया है, हॉप लिया है, और भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप इसमें और भी चीज़ें ड्रॉ करके बना सकते हैं और इन्जॉय कीजिए इस गेम को. अब अभिलाषा मैम ने तो आपको दिखा दिया कि चौक से कैसे ड्रॉ करके हम जिगजैग रेस को फॉर्म कर सकते हैं. बाय चांस आपके पास चौक नहीं है तो जैसे लास्ट वीडियो में भी प्रियंका मैम, अभिलाषा मैम ने आपको बताया था कि आप सर्कल, स्क्वायर, एक दुपट्टे के हेल्प से या फिर एक आपके पास अगर रोप है उसके हेल्प से आप बना सकते हो. अब ये जो जिगजैग लाइन है ये भी आप एक दुपट्टे के हेल्प से बना सकते हो. मम्मा के पास बहुत सारे दुपट्टे होंगे, आप वो चुन्नी ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए और उससे फॉर्म कर सकते हैं. तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर तो जो था वो था सर्कल जिसमें स्टार्ट लिखा था. तो आप जानते हैं कि आप एक सर्कल कैसे फॉर्म कर सकते हैं. इस तरीके से आप सर्कल बना लीजिएगा. सर्कल के बाद जैसे आप देखेंगे तो जिगजैग लाइन है. तो जिगजैग लाइन बनाना भी बहुत सिंपल है. आप मम्मी की हेल्प से ये जिगजैग लाइंस फॉर्म कर सकते हैं. इसमें आपको और चुन्नी और दुपट्टे की जरूरत पड़ेगी तो आप वो ले लीजिए. अब ये जिगजैग लाइन आ गई है. उसके बाद स्क्वायर बना था तो आप इसी दुपट्टे से वापस से स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं. तो ये स्क्वायर बन गया. तो अगर बाय चांस आपके पास चौक नहीं है, आप दुपट्टा ले सकते हैं, आप रोप ले सकते हैं. इन इक्विपमेंट से भी आप ये रेस को फॉर्म कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि कैसे हमें ये रेस करनी है, हम कैसे इसे कंडक्ट करेंगे. एंड प्लीज स्टूडेंट्स, सेफली इसे करना, जल्दी में नहीं करना, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके जंप कर रहे हैं ऐसा नहीं करना. प्लीज़ अपने आप को हार्म नहीं करना है. ओके, हम ये जिगजैग रेस स्टार्ट करने वाले हैं. आपको ध्यान से देखना है कि हम कैसे करेंगे. तो बहुत आराम से आप करिएगा क्योंकि आपने जिगजैग लाइन पे पहले नहीं चले हैं. तो किस प्रकार से, क्योंकि आपको याद नहीं है लाइन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो आप उसको देखते हुए उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आपको चलना कैसे है. जैसे यहाँ पे प्रियंका मैम स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी हैं, आप देखिए, और वो स्टार्ट करने वाली हैं रेस. तो आप लाइन को देखते हुए चलिए कि हमें कैसे चलना है. जब आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप यह इस लाइनों पे रन करके भी चल सकते हैं. ये देखिए मैम पूरा देख के ध्यान से चल रही हैं कि वो लाइन से अलग नहीं हो जाएं. अब उन्हें यहाँ पे 2 times जंप करना है. तो मैम जैसी बॉक्स के अंदर आई उन्होंने 2 times जंप किया और फिर जिगजैग रेस स्टार्ट कर दी.
अब आप सोच रहे होंगे मैम रेस बोल रही हैं और यहाँ तो मैम वॉक करके दिखा रही हैं। तो हमें पहले प्रैक्टिस करना है, जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर हमें इस पे रेस करना है। अब जब मैम आगे आई तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 times क्लैप। तो बॉक्स के अंदर आके आपको क्लैप करना है 3 times, 1, 2 and 3। ये क्लैप क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से जिगजैग रेस को कंप्लीट किया इसलिए। यस, अब आगे आपने देखा कुछ लाइंस हैं, मींस इस पे हॉप करना है। तो प्रियंका मैम आपको हॉप करके बताएंगी किस प्रकार से करना है। यस, 4 times हॉप करने के बाद जब हम एंड में आ गए तो हमारी रेस कंप्लीट हो गई। हमने उस पर प्रैक्टिस करी थी, अब हम रेस करके देखेंगे। तो जिस तरीके से मैम स्टार्ट पे खड़ी हो गई है, अब मैम शुरू करेंगी रेसिंग। 1, 2, 3 and go। ये 2 time jumps, now 3 time clap and now hop and end। very good। तो देखा मैम ने उससे पहले प्रैक्टिस करी, उसके बाद ये चीज करी, तो मैम से इतने इजिली हो गया। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ओके, हमने देखा कि चौक से जो लाइन ड्रॉ थी उस पे किया। अब आप सोच रहे हैं कि मैम ने बता तो दिया आपको कि मम्मी के जो दुपट्टे हैं उसका यूज करें या साड़ी का यूज करें, या ऐसे बहुत सारे आपके घर में पुराने क्लॉथ्स भी होते हैं जिनका यूज नहीं करते हैं, तो हम इस गेम में उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ दुपट्टे थे हमारे पास 3-4, जिससे हमने लाइन ड्रॉ की है, स्क्वायर बनाया है। इस प्रकार से दुपट्टों को जोड़ते हुए या साड़ी लेके आप स्क्वायर, जिगजैग, लाइन एंड सर्कल ड्रॉ करते हुए इस रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रियंका मैम स्टार्टिंग में खड़ी हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी, तो हम सीधे रेस करेंगे। यस मैम, तो आपने देखा किस प्रकार से रेस कंप्लीट करना है। जहाँ पे स्क्वायर या सर्कल बनाए हैं, तो आप अगर चाहें ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है कि उसमें लिखने के लिए कि हमें क्या करना है, तो आप एक वो कर लीजिए कि फर्स्ट सर्कल है या स्क्वायर है, तो हमें जंप करना है कि क्लैप करना है, आप याद रखिए और इस प्रकार से आप रेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके भाई बहन हैं, आपके घर में मम्मा पापा हैं, उनकी हेल्प से आप उनको भी इन्वॉल्व कीजिए इस गेम में और बोलिए कि हमारे साथ रेस कीजिए, इस प्रकार से आप इस रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो किड, आज आपने सीखा कि कैसे हमें जिगजैग रेस घर में ही परफॉर्म करनी है। अब अभिलाषा मैम आपको इक्विपमेंट्स बताएंगी। तो जैसे आपको बताया कि आप जिद नहीं करेंगे, आपके मम्मी के दुपट्टे हैं, साड़ी है, आपको हमने बताया भी कि किस प्रकार से आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ करना है या सर्कल या स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो उस प्रकार से आप ड्रॉ करवाइए अपने पेरेंट्स से। आपके घर में और भी बड़े होंगे, भैया दीदी होंगे, उनकी हेल्प लीजिए और उसको ड्रॉ कीजिए और इन्जॉय कीजिए, साथ में उन्हें भी लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इस टाइम पे हम लोग घर में हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में जितना इन्जॉयमेंट कर सकते हैं उसे कीजिए। तो अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो भी इन्जॉय करेंगे इस गेम को। और इसके अलावा आप चौक है तो ठीक है, रोप है, ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिसका हम यूज़ करके हम रेस या गेम को खेल सकते हैं। और प्लीज़ अगेन रिपीट कर रहे हैं, ज़िद नहीं करिएगा किसी भी चीज़ की, घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। छोटे बच्चे हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अभी जैसे मैं और अभिलाषा मैम हम दोनों कितना स्माइल कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही स्माइल करना है। okay? स्माइल करने से हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीक दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। ओके, तब तक के कीप स्माइलिंग एंड हाई फाइव।